इस बंदे का साउंड मैंने मेरी जिंदगी जो है रैप्स पे डीप है ये, मैंने अभी तक सॉन्ग नहीं सुना था, मैंने इससे पहले जो है दूसरा सॉन्ग इसका कवर किया, बट दिस सॉन्ग इज रियली गुड, और खास करके वो जो सलमान खान ने जो स्टार्ट किया ना सॉन्ग को, डैम मैन दिस लुक्स रियली गुड। अच्छा पहले बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ी सी जो है क्या नाम है ग्लैमर वगैरह उसमें ज्यादा है और वर्ड्स थोड़े से वो है, तो जिन्होंने नहीं देखनी वो अभी ही इसको जो है रोक सकते हैं, वीडियो को यहीं पे जो है लीव करके जा सकते हैं। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। और बीट पता है आपको एमसी स्टैंड के जो सॉन्ग की बीट्स है ना वो आउटस्टैंडिंग है, उस तक की बीट भाई नहीं है, मैं मान गया हूं। मेरी जिंदगी इससे डिपेंड करती है रात में कुछ नहीं ना से आई साउंड टैग मित्र मंडल हिंदी इस बंदे का साउंड रोका है, द स्टार्ट इज सो गुड, ठीक हो गया। सलमान खान का जो है वो ओ जाने जाना वाला जो है स्टार्ट था, ठीक हो गया, नो डाउट। बट भाई अभी तक जो बीट आ रही है ना इट्स साउंड सो गुड, खास करके जो डीप वाली बीट आ रही है ना, लाइक बेस जिसमें बहुत ज्यादा भर के है। एमसी स्टैंड का ये मानना पड़ेगा भाईजान इसका जो म्यूजिक है बहुत अखीर है, छबड़ी छबड़ी नहीं है बाबा, ये फुल समझता है, फुल साइकी में। फुल वाइब है All my friends are dead. बहुत अखीर नो डाउट हिंदी रैप They convert everything so levelly, यार seriously, भाई seriously. I guess इसकी ना जो है ये एल्बम है महफिल हाँ महफिल 2000, क्योंकि हर जगह पे ना इसी की जो है धूम मची हुई है, बट द साउंड इज सो गुड यार seriously. जो स्टार्ट के अंदर बीट आई है ना वो अखीर लेवल, और बीच में वो जो उसने बात की ना माई ऑल फ्रेंड्स आर डेड, सेम इधर ही है भाई सारों का यही चल रहा है राइट नाउ, टाइम चल रहा है ना, सब मुनाफिक है भाई, सब मुनाफिक है, तो बेहतर यही है कि दूर रहो, अपने को सबसे दूर रखो, धूम में रहो, मजा करने को मांगता है। लेकिन भाई मैं एमसी स्टैंड को भाई सिंपल सी बात है नहीं सुनता था, लेकिन फैन हो गया इसके म्यूजिक का, वाकई फैन हो गया भाई। अब आ जाते हैं हम लोग नीचे कमेंट वाले सेशन के अंदर। अच्छा ये गाना जो है ना रिलीज हुआ है 3 days 3 मार्च को, हाँ जी, और आज जो है 9 मार्च है, डैम 6 days, मैं बहुत ही दूर था एमसी स्टैंड से,
अच्छा जी, आई लाइक 1,49,999। डैम, ये आ जाते इतने लोगों को जो है सेंड करे तो आपको खुशखबरी मिलेगी। अरे लोग नहीं सुधर सकते। एंसिस्टेंट फ्रेंड्स हियर। अच्छा जी, कांट वेट फॉर द हिंदी वर्जन। हिंदी वर्जन ये ना ब्रो, क्या हो गया है? वी नीड ओल्ड स्टैनी बैक। वाकई भाई बहुत अच्छा, मिस यू ओल्ड स्टैनी। अजय स्टैन भाई, अपने ओल्ड वाइब वाइब लाओ। कुछ मुझे नहीं है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा पब्लिक को। चलो जी, भाई ने जो है रिक्वेस्ट की है, जिंदगी हर जिंदगी का हर मज़ा एक तरफ, और एमसी स्टैन का टिड पार, पता नहीं टिड्डी पार या टड्डी पार, इस तरह कुछ है, एल्बम सुन के मज़ा आ जाता है। वट एवर जो भी था। कौन कौन वेट कर रहा है 8 मार्च को? 8 मार्च को मेरा ख्याल है वो वाला कल जो है गाना आया ना इसका, वो वाला क्या नाम था उसका, जो अभी जो है इससे पहले, नम नम, NUMB, NUMB नम। हाँ जी, ओल्ड इज गोल्ड, वाकई ओल्ड इज गोल्ड। फेम ऑफ पेयर के चक्कर में टैलेंट चला गया। RIP MC स्टैंड। फेम और पैसे के चक्कर में जो है वो चला गया। अच्छा, मोस्टली पीपल जो है डोंट लाइक दिस सॉन्ग, पता नहीं क्यों, बट नॉट गोना लाई, आफ्टर लिसनिंग 10 टाइम आई लाइक दिस सॉन्ग। लिसन टू दी एल्बम ही लिखने की कोशिश की थी, लेकिन अच्छा भाई जन, मिसिंग ओल्ड जो है स्टैनी बीट लाइक आहिस्ता, पता नहीं जो है भी है, बट द सॉन्ग इज रियली गुड मैन। यार कमेंट्स के अंदर ना इशू ये होता है कि हर बंदे ने ना अपनी मर्जी का कमेंट फेंका होता, तो फिर वो समझ नहीं आती, क्योंकि हर बंदा ना अपने उसमें लिख रहा होता, प्रॉपर वर्ड नहीं लेके आते। तो मतलब सॉन्ग इज सो गुड मैन, रियली सीरियसली सॉन्ग इज सो गुड, नो डाउट इसके अंदर। खास करके जो बीट आई है ना भाई, वो बीट मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं सुनी। और जो है एमसी स्टैन का जो है ना, ये मेरा ख्याल है सीजन 15 का जो है लास्ट सीजन, जो अभी वाले सीजन से जो पहले वाला सीजन था उसका जो है फाइनलिस्ट भी था और विनर भी था मेरा ख्याल है। हाँ विनर भी था ये, ठीक। इसके साथ दूसरा लड़का था लेकिन जीता ये था, बिल्कुल बिल्कुल। इसको उसमें ना बड़ा ये था कि मैंने घर जाना, लेकिन एंड में आके इसने खेलना शुरू कर दिया था, जिसमें अब्दू नहीं था, वो छोटा बच्चा जिसको सब बच्चा समझ रहे थे लेकिन वो बच्चा नहीं था, गोदियों में उठा उठा के फेरे, वो वाला सीन भाई। दिल जीत लिया भाई, सीरियसली दिल जीत लिया एमसी स्टैंड ने। मुझे नहीं पसंद था ये बंदा, लाइक मैं इसके सॉन्ग जो है ना सुन के कहता था यार क्या ऑटो ट्यून है, क्या ऑटो ट्यून है, लेकिन अभी जो उसका म्यूजिक ने जो वो किया है ना, हिट किया है, तो भाई जान फैन बन गया हूँ मैं, सिंपल सी बात है। अब आगे इसके सारे सॉन्ग कवर करने पड़ेंगे, इवन ये पूरी की पूरी एल्बम मैं कवर करूंगा, और बहुत मजे का यार, चस आ गई है। खास करके ना यहाँ से, 1 मिनट इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं, यहाँ से बस यहाँ पे ये वही वाले सॉन्ग है कि गाड़ी के अंदर लगा के ना इनको रिपीट पे लगा दो, और ये जिसता जिसता बच्चा बचता जाएगा, आपकी गाड़ी जो है ना पीछे से जो है शीशे जो है बजाती जाएगी, बकाया जो है पार्टीज के अंदर, और खास करके कैफे सॉन्ग तो बहुत है। आगे थोड़ा सा सॉन्ग की इससे जो है नीचे ही रहेंगे एक आधा महीना, क्योंकि रमजान शुरू हो रहा है, तो रमजान का एहतराम मस्ट है भाई, मस्ट है, वो तो मस्ट है। लेकिन भाई उससे पहले पहले जो जो है सॉन्ग उनको तो हम कवर कर सकते हैं। Okay, बहुत अच्छा सॉन्ग था, बेस्ट ऑफ लक फॉर एमसी स्टैंड। काइंडली जाके जो है चैनल के ऊपर इनके ये सॉन्ग सुने, 1 मिलियन पार हो गया, 2 मिलियन होने लगा, 1,10,00,000 जो है ऊपर है ये सॉन्ग, और वाकई बहुत अच्छा, सीरियसली बहुत अच्छा। 19 लाख के करीब जो है ये सॉन्ग जा चुका है, 19,70,000 तक, और ये भी 2 मिलियन हो जाएगा, 20 लाख होते साथ ही। तो जो है चैनल के ऊपर जाके देखें, बकाए सारे के सारे क्रेडिट्स वगैरह तो इन्हीं के ही हैं एमसी स्टैंड के, और वाकई बहुत मजे का सॉन्ग। मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, आप लोग लाजमी ये सॉन्ग सुनो, आप लोगों को भी मजा आएगा, सीरियसली बता रहा हूँ। और एमसी स्टैंड के जितने भी फैंस हैं, काइंडली कमेंट के अंदर आके जो है लाजमी जो है एमसी स्टैंड के लिए जो है कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत अपना ख्याल रखें, अपने आस पास वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।